हेलो ऑनलाइन वाले बच्चे, गुड इवनिंग। आप बोला, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। हेलो 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 हेलो। SIBC3B15 तनु कुमारी सिंह, मंजिता देवरी, ससिता पॉल, दिशांकर दास, रिंटू सोनवाल, वंश वोरा, कितने गए तुसी? हेलो हेलो, शुरू करें? कर ले। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे उस दिन? ये साउंड क्यों इतना दिक्कत दे रहा है? हेलो, साउंड ठीक है? आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, ऑनलाइन वाला को क्या प्रॉब्लम है, कोई समझा नहीं रहा है मेरे को। हेलो, साउंड ठीक है सर? साउंड ठीक है सर? विष्णु, साउंड ठीक है सर? थोड़ा सा पुराना बात कर लेता है। उस दिन हम लोग क्या पढ़ा था? गोल्डन रूल अप्रोच और एक क्या था, मॉडर्न था वो, अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न, उसी को मॉडर्न बोला जाता है, लेकिन अभी मॉडर्न नहीं लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा था? पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाता है और पर्सनल अकाउंट का टाइप्स कितना था? थ्री टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या जरूरी था? नाम। पर रिप्रेजेंटेटिव में क्या जरूरी था? बोलो, ऐसा अकाउंट जो किसी और के कारण बना, उसका मर्जी नहीं था, ठीक है, जबरन उसका शादी हो गया, जबरदस्ती वाला शादी होता है ना, वो हो गया उसका बेचारा का, ठीक है, उसको बनना नहीं था, वो बन गया। और रियल में क्या था? ऑल एसेट्स, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता था? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा, जिसे हम लोग टच कर पाएंगे, जैसे कि मम्मी था ना, लेडीज लोग के लिए मम्मी था और लड़का लोग के लिए सोना, यही था ना, और मम्मी का लव इनटेंजिबल। लेकिन बिजनेस में क्या था? पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है। लेकिन एक एसेट ऐसा था जो रियल अकाउंट में नहीं आ रहा था, डेप्रिसिएशन। शाबाश, डेप्रिसिएशन एसेट है क्या? डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाते हैं ना, उसको एज ए एसेट ट्रीट करते हैं हम लोग, या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग एसेट का एक हिस्सा मानते हैं, टुकड़ा मानते हैं, तो उसको रियल अकाउंट में हम लोग डालते हैं। आगे जब डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। आप सही हो, थोड़ा सा नाम गलत हो गया। आजा रे मेरे दिल पर, आजा, फुल बरसा है, फुल बरसा हो रे। हाँ, मार दो। ए, आप इधर आ जाओ, आप ये ग्रीन, आप देखते ही खूबसूरत लगे मुझे, ये चेयर लो, इधर ढूंको, हाँ इधर एडजस्ट कर लो ना। ओ व्हाइट शर्ट, हेलो, क्या नाम था? कीर्ति शाह, इधर आइए, इधर इधर वहाँ पे बैठिए, वो जो उत्ते देखो, एक सीट खाली है, उनको भी बीच बीच में डाउट क्लियर करवाना, ठीक है, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप भी आर्ट्स से? हाँ, हम लोग कहाँ थे? रियल अकाउंट में थे ना। रियल अकाउंट क्या बोल रहा था? सारा का सारा एसेट, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, एक्सेप्ट डेटर। क्यों? डेटर को हम लोग नाम से बुलाते थे। बप्पन राजू से हमने को 500 रुपया पाना है, या फिर डेटर से हम लोग अपने को 500 पाना है, ऐसा कुछ बोला जाता है क्या? आप किसी से पैसा पाते हो तो उसका नाम से बुलाओगे या डेटर बोल के बुलाओगे? हाँ,
नाम से बुलाओगे ना, और जैसे नाम आ जाता है तो दौड़ दौड़ के चला जाएगा पर्सनल में, ठीक है। और लास्ट क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा था, ऑल इनकम्स एंड गेंस, इनकम एंड गेंस, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ था। और हम लोग डिफरेंस समझ गए थे, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या है, क्या था प्रॉफिट, जो अपना डेली ऑपरेशन से पैसा मिलेगा, लेकिन गेन ट्यूशन पढ़ने आया, चप्पल खोला, हम चप्पल बिक्री कर दिया, यही था ना मेरा गेन, ठीक है। जिसको चप्पल चोरी करने के लिए रखा था उसको मैं पर चप्पल 8 रुपये दे रहा था, और वो बिक्री कितना में कर रहा था, 10 रुपये में, मेरा गेन कितना हुआ, 2 रुपया, वो गेन होगा, ठीक है। आज अपने करते हैं डबल एंट्री, वो ये जो हम लोग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर किया ना, वो कहाँ से आया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते, ठीक है। देखो डबल एंट्री सिस्टम ना, इसका अगर आप विकिपीडिया देखोगे ना तो बहुत सारा मिलेगा, जहाँ तहाँ जो मिलेगा, बोलेगा ये पहले उस साल में लिखा था, ये उस साल में लिखा था, वो उस साल में लिखा था, लेकिन ऑफिशियली बुक में कब लिखा गया, कोई बुक प्रिंट करवाया होगा, बुक में लिखा डबल एंट्री के बारे में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, कब पता है कुछ, इन द ईयर डबल एंट्री एक्चुअल में ऑफिशियली बुक में प्रिंट करके आया हुआ था कौन सा साल में आया हुआ था, कुछ आइडिया है, 19 कुछ होगा, किसी को भी आइडिया नहीं है, 1494 में, ठीक है, 1494 में। आज थोड़ा सा आपने क्या जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री, साथ ही साथ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लिख लेना, ठीक है, मैं तो लिखूंगा ही थोड़ा, उसको भी कम मत कर देना, मैं जितना लिख रहा हूँ कम से कम उतना लिख लो। ये बुक किसका था, ये बुक जो लिखा होगा, फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम, इससे पहले भी आया था हम लोग का इंडिया में भी, इसके बारे में कुछ है अगर आप लोग सर्च करोगे तो, ठीक है। और ये बुक तो अपने को मिला नहीं अभी तक, अगर मिला होता तो मैं सबसे पहले ये पढ़ता, जो डेबिट को राइट लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा, मतलब सॉरी राइट हैंड साइड में, किसी को पता है डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा जाता है, क्रेडिट को, मतलब जब अपने बुक देखते हैं ना, लेजर इस तरीके से होता है ना, ये डेबिट ये क्रेडिट, डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और क्रेडिट को राइट हैंड साइड में क्यों लिखा, पता नहीं, अगर ये बुक मिल गया ना तो उसमें पढ़ना, हाँ ये बुक लिखा कौन था, ये महान व्यक्ति का नाम पता है किसी को, किसी ने लुका पेसियोली का नाम सुना है, सबने सुना है, लेकिन डबल एंट्री कौन लिखा, आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं है, आप सुन लो आज, लुका पेसियोली, उन्होंने लिखा था बुक में, ठीक है, लेकिन इसमें लफड़ा है, डबल एंट्री का हमेशा लफड़ा चला हुआ है, लेकिन बुक में जिस दिन छपा हम लोग तो उसी को पढ़ेंगे, उसी को मानेंगे, उससे पहले कोई अगर बोल दिया होगा, मैंने बोला था, मैंने मुंह से बोला था, लेकिन लिखित में कौन दिया, इम्पोर्टेंट तो वो है ना, कानून क्या मांगता है, सबूत, सबूत किस में है, लुका पेसियोली जी का बुक में है, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। 1494 में किसने लिखा था, लुका पेसियोली, बुक का नाम क्या था, बड़ा जबरदस्त नाम है बुक का, बुक का नाम क्या है, हाँ कुछ आइडिया, 1494 नहीं बोल पाए तो बुक का नाम क्या बोलोगे,
सुमा दे अरिथमेटिका, उसके बाद ज्योमेट्रिया, प्रोपोर्शनिया एट प्रोपोर्शनेलिटा, ये नाम है, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, ये नाम है बुक का, ठीक है। वेनिस में हुआ था, कहाँ पे? वेनिस, ये इटालियन, ठीक है। तो बुक का नाम याद ना करो तो ज़्यादा बेटर है, बस इतना याद रखना, सुमा दी अरिथमेटिका, इतना आगे का नाम याद रखना, ज्योमेट्री या प्रोपोर्शन या सब याद करने का जरूरत नहीं है, और एग्जाम में आएगा भी नहीं, बस ये नॉलेज के लिए बता रहा है। किसका? लुका, LUCA। और बुक का नाम नहीं, छोड़ दो, ठीक है, बस इतना याद रखना, सुमा दी अरिथमेटिका, ठीक है। इटालियन वर्ड है तो इसीलिए हम लोग को गाली जैसा फील हो रहा है, लेकिन हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। पेसियोली इज ऑफन कॉल्ड एज इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। 2 साल से हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन फादर ऑफ अकाउंटिंग आज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सीखने आए हैं, सीखेंगे, जाएंगे, ठीक है। खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ चोरी करेगा बोतल, दिमाग भर के जाना है, हाथ तो खाली ही लेके जाना, यहाँ से उठाना मत कुछ भी, राइजवा नहीं है, ठीक है, उठा मत देना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं जाएंगे ये बोल के टेबल चेयर लेके मत जाना, दिमाग भर के लेके जाना, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज मिला डबल एंट्री के बारे में, चलो नेक्स्ट पेज कर दो मैं। हम लोग क्या पढ़े? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या होता है? This is derived from Latin word क्या है? आप लोग का बुक में डेबिटम है ना, लेकिन इसको सॉरी का भूल के हंस तो कहा हंस रहा DEBERE डेबिटम आप लोग का बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। डेबिटम बुक में भी है लेकिन दूसरा ये DEBERE ये भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में डेबिटम लिख के आना है, ठीक है, लैटिन वर्ड। हाँ, और इसका हम लोग एब्रिविएटेड क्या यूज करते हैं? डेबिट, DR, ठीक है। अब क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग, इसका मीनिंग होता है व्हाट इज ड्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रेडिट, ये लैटिन वर्ड कहां से आया? क्रेडर से, हाँ, इसका एब्रिविएटेड क्या यूज करते हैं हम लोग?
क्रेडिट, और इसका मीनिंग क्या है? बुक में क्या है? व्हाट इज ट्रस्टेड? ट्रस्ट नहीं, हाँ ट्रस्टेड। ट्रस्ट तो मेरा उसी दिन टूट गया था जिस दिन उन्होंने कहा था कि आप ही मेरे नंबर में हो। बस क्यों हंस रहे हो? नहीं सुनाई दिया? अच्छा बात नहीं है। यारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए। काहे ला लेट हो गई बबुआ? गुड, कम से कम झूठ तो नहीं बोला। आगे बढ़े। ये आप लोग का सिलेबस का पोर्शन ही नहीं था हम लोग जो पढ़ रहा था, बस ये डेबिटम और क्रेडर बस यही था। लेकिन इससे पहले जो भी पढ़ा वो बस नॉलेज के लिए पढ़ा। अब अकाउंट्स का फील्ड में है आपने, बाद में कोई पूछ दिया और आप लोग मुंह ताकते गए, फादर ऑफ अकाउंट्स विष्णु सर मत बोल देना, ठीक है? बर्बाद हो जाएगा। इज्जत दो लेकिन सबके सामने नहीं। फादर ऑफ अकाउंटिंग बोल के मेरा नाम मत बोल देना, ठीक है? किसका नाम बोलोगे? लुका पेसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। इतना दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, डेबिट द क्या सॉरी रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पहले डेबिट क्रेडिट वही बुक में छापे, ठीक है? आगे बढ़े, सिलेबस पे दौड़े। ये दो लाइन आप लोग का सिलेबस का था, हाँ ये डेबिटम और क्रेडर, व्हाट इज ड्यू एंड व्हाट इज ट्रस्टेड, ठीक है? तो मैं एक बार, सब आ गए ना, तो मैं एक बार पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार बात करना चाहता हूँ हम, किस टाइप से पेपर आएगा, आप लोगों को भी एक सिंपल नॉलेज हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ना, 12 मार्क्स का कॉमन है इसमें। ये जो चार दिन पांच दिन हम लोग पढ़े हल्का फुल्का कहानी सुन सुन के, अराउंड 12 मार्क्स का कॉमन मिला मेरे को। तो सारा डिस्कस तो नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन एक पूछा है, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। अब ऑप्शन है चार आपके पास। पहला ऑप्शन, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान से सुनना, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बताओ? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहला क्या बोल रहा है कि जो रिसीव किया ना पैसा हम लोग से, वो इसको फिक्स एसेट में डालेगा, मतलब फिक्स एसेट परचेस किया बोल के डालेगा। अब बताओ जो रिसीव किया उससे अपने को मतलब ही है, मेरे से मतलब है, तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट। तीसरा, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस। ये ऑप्शन है क्या तीसरा? चौथा, इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स एसेट। तो ऑप्शन कौन सा? दूसरा, तीसरा, तीसरा ऑप्शन ये, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस, ये होगा क्या? चौथा, इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, दूसरा बोल रहा है इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, कौन सा ऑप्शन? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? ह्यूज अमाउंट का खर्चा होगा, पहला क्राइटेरिया ये देखना था। दूसरा, ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। तीसरा, वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ाएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट वैल्यू ऑफ एसेट है, तो दूसरा पॉइंट होगा, विच इज रॉन्ग बोल के पूछा है। हाँ मैं पढ़ेगा, आप लोग बताना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रॉन्ग है या राइट है? राइट है। डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, मिल गया। दूसरा देखने का जरूरत है क्या? अनटिल एंड अनलेस ऑल ऑफ द अबव नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा नहीं है, ठीक है? एक मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, गाड़ी में मशीन लाया,
गाड़ी का फ्रेट दिया, अरे फिर उसमें तेल भी डलवाया था, फिर कुछ कुछ करवाया था, मेरे को भी आइडिया नहीं है। तो एट द एंड मैंने मशीन का वैल्यू पूछा था, वो वाला क्वेश्चन भी गिरा यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिला कि किस टाइप से पेपर गिरेगा। कॉन्सेप्ट तगड़ा है, पेपर फाड़ के आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ढीला है, पूछना क्या मैसेज की थी वो मेरे को, फिर याद करना। चलो हम लोग अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक, किते चलिए मिल गया। क्या पढ़ना है अपने को? अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, सबको आता है, बस थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना। हाँ, अकाउंटिंग साइकिल से क्या समझते हैं? अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंट शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पे होगा? कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एक, फिर खत्म हो जाएगा खत्म। तो हमें वही पढ़ना है कि शुरू कहां से होगा और खत्म कहां पे, वो स्टेप है। कितना स्टेप है? 8 स्टेप। 8 स्टेप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 8 का 8 आपको आता है, हमें भी सुनाओ। नहीं सुनाओगे? क्लास खत्म हो जाने के बाद सुनाना, हम लोग भी हंसेंगे मिलके। सुनो ना, हम लोग चॉकलेट खरीदने गए थे, दुकान गए थे, वहाँ पे इवेंट हुआ था, फिर चॉकलेट के बदले हम लोग पैसा दिया, ट्रांजैक्शन हो गया ना। तो पहला स्टेप वो होगा, हाँ। तो पहला स्टेप बोल रहा है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? पता करो ट्रांजैक्शन के बारे में। पैदल मारी मारी अपने को कहां तक जाना है? अकाउंट्स कंप्लीट करना है। अकाउंट्स का सबसे लास्ट स्टेप क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। मतलब अपने को पता है कि लास्ट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। 2 मिल गया अपने को, ठीक है, बीच का सब आता है आप लोग को। पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग, साथ ही साथ लिखते रहो। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। अब बात बताओ ना, सुनो ना, चॉकलेट लेने मैं चला गया और वो चॉकलेट का मैंने पैसा ही नहीं दिया, मैं दौड़ के भागा। तो हम लोग 2 लोग गए थे, तो मेरा दोस्त वहीं पे था साइड में, वो चिप्स लेके उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था बेचारा, ठीक है, बहुत ही अच्छा दोस्त मेरा, बचपन का दोस्त। वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था कि इसमें क्या क्या डाल रहा है जी, इतना टेस्ट हो रहा है। तब तक मैं चॉकलेट लेके फरार, बेचारा कुटा गया। ये ट्रांजेक्शन हुआ काहेला? पैसा। इवेंट तभी ट्रांजेक्शन कहलाएगा अगर लेन देन हो गया है। यहाँ पे तो लेन देन हुआ नहीं, यहाँ पे तो एक तरफा प्यार है। बेचारा मैसेज करके तो भागा है, रिप्लाई किसी और को मिल रहा है उधर, उसका क्या गलती था? वो तो इंग्रीडियंट्स पढ़ रहा था। इसका मतलब है कि इवेंट ट्रांजैक्शन तब होगा अगर ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाएगा, ठीक है। ये की पॉइंट है। एक इवेंट ट्रांजैक्शन कब होगा? फाइनेंशियल पोजीशन में वो चेंजेस लाएगा, या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा। वो चॉकलेट लेने के बाद मेरा हाथ से पैसा जाना चाहिए,
ठीक है, और सामने वाला जब चॉकलेट दे रहा था उसका हाथ में पैसा आना चाहिए, उसका पैसा बढ़ गया, मेरा पैसा कम गया, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ, तो की पॉइंट मार्क करो। इट लीड्स टू चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अकाउंटिंग यूनिट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आपने, ट्रांजेक्शन। अब बताओ क्या हर इवेंट ट्रांजेक्शन होगा या फिर हर ट्रांजेक्शन इवेंट होगा? नहीं होगा, तो लिख लेने का है, इस साइड में लिखेगा अपन, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन इज इवेंट, बट ऑल इवेंट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन कब होगा? जब फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। हर ट्रांजेक्शन इवेंट है, ऑल ट्रांजेक्शन इज ए इवेंट, बट ऑल इवेंट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। एमसीक्यू पूछ दिया तो ट्रू फॉल्स में झटका से ट्रू मार देना अगर यही लिखा होगा तो, मतलब अगर मीनिंग इसी तरीके का होगा तो, ऐसा नहीं है कि यही लिखने से सिर्फ राइट मारना बाकी में फॉल्स मारना वो मत कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पता किया, ट्रांजेक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है, जब ट्रांजेक्शन आपने किए तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, ट्रांजेक्शंस इन जर्नल। इसमें बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या में रिकॉर्ड करेंगे, कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है, पहला जो ट्रांजेक्शन होगा अपने रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोला जाता है, हाँ छोड़ो जब आएगा तब पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ठीक है। प्राइमरी बुक कभी सुने हो? नहीं सुने, बाद में धीरे से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीख जाओगे, ठीक है, अभी कच्चे हो, थोड़ा सा टाइम बिता लो। किस में लिखेंगे आपने, बुक में ही तो है, देखो ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल के कुछ लिखा है, हाँ लिख लो साइड में, इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बस इतना लिख दो, ठीक है, रामायण महाभारत मत लिखो, जब अपना प्रॉपर नोट बनाओगे तब जाके लिखना। देखो ट्रांजेक्शन भी अपने पता कर लिए, उसको बुक्स में भी डाल दिए, तीसरा स्टेप बोल रहा है कि लेजर में डालो। अब पूरा साल में हम लोग कितना बार चॉकलेट खरीदेंगे, खरीदेंगे मेटेरियल, रॉ मेटेरियल खरीदेंगे बहुत साल। लेजर का मतलब होता है एक रूम, लेजर का मतलब होता है एक रूम, ठीक है। उस रूम में अगर मान लो कि ये क्लासरूम है और ये क्लास 12 का बैच है, बताओ इसमें 12 के अलावा दूसरा कोई बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा ना। तो लेजर क्या होता है, उनका रूम होता है। अगर क्लास 12 वाला बच्चा है बस क्लास 12 वाला बैठेगा। अगर मैं चॉकलेट का लेजर बनाऊं तो उसमें चॉकलेट के अलावा दूसरा कोई आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो लेजर वो होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अब हर ट्रांजेक्शन को हम अपने अपने लेजर पे भेजेंगे, अब जो ओरिजिनल एंट्री उसके बाद जर्नल मारने के बाद भेजेंगे, भेजेंगे ना, जर्नल मारेंगे उसके बाद ही तो लेजर में भेजेंगे, लेजर पोस्टिंग होगा। तो थर्ड स्टेप क्या है, पोस्टिंग टू लेजर। देखो खाली वो लेजर में डाल के छोड़ देंगे या उसका सही जगह पे डालेंगे, अपने डेबिट में होना चाहिए तो डेबिट में, क्रेडिट में होना चाहिए तो क्रेडिट में, क्लासिफाई करना होगा अपने को, ठीक है, समराइज करो, क्लासिफाई करो, वही बात बोल रहा है कि अपना मन से मत डाल देना,
रूल के मुताबिक डालना होगा। डेबिट है तो डेबिट में डालो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में डालो। आज मेरा मन कर रहा है मैं क्रेडिट में डाल दूंगा, ये नहीं करना है, ठीक है, वही बात बोला होगा। फोर्थ, अब देखो जब लेजर में डाल देंगे तो लेजर का बात का स्टेप क्या बोला था मैंने, पहला ही दिन शायद बोला था ना लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बनेगा, ऐसा कुछ बोला था क्या? तो लेजर के बाद हमेशा ट्रायल बनेगा, लेकिन ट्रायल बनने से पहले अपने को सबका क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, ठीक है। तो एक सवाल पूछता हूं मैं, इतने अपने लेजर बनाए हैं सारे के सारे बच्चे, किसी का भी लेजर होगा, मान लो कि यहां से शुरू हुआ है बैलेंस पीडी और ये बैलेंस सीडी 200 रुपया, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट क्रेडिट, हाँ क्या बैलेंस है? डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखा किधर है आपने? क्रेडिट, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा होने के कारण लिखा था ना, बैलेंस किसके कारण आया? डेबिट साइड ज़्यादा होने के कारण। तो जब नेक्स्ट बुक ओपन होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग लेजर ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि आप लोग को शायद सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में मिलना चाहिए, मे भी मिला तो पढ़ेंगे, नहीं मिला तो फिर भविष्य में कभी मिला तो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको अपने को डालना होगा ट्रायल में। अब ट्रायल कैसा रहेगा? सिंपल, अपना दुनिया में मस्त, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ये होगा ट्रायल, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस था ना, तो ये डेबिट साइड आ जाएगा, इस साइड 200 आ जाएगा। बताओ ये अगर डेबिट में 200 आया होगा तो ये तो वन साइड इफेक्ट है, इसका दूसरा साइड भी कहीं पे इफेक्ट किया होगा, किया होगा या नहीं किया होगा, या ये अकेले आया होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर अकेले आ गया मतलब इरोर है, और साथ में किसी को लेके आया तो शायद करेक्ट हो सकता है। वो हम लोग को कब पता चलेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ इरोर में क्या क्या गलती होता है, कहाँ कहाँ होता है, लेकिन गलती हो सकता है। इस अगर इस साइड भी मान लो कोई एक आइटम आके 200 रुपया बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट हो गया, रोंग भी हो सकता है। इसके ऊपर भी हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, भविष्य में नहीं, यहीं पे, ठीक है। अब ये बैलेंस उठ के आया इधर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन गया। अरे सब लेजर का जब पोस्ट करेंगे तो बन जाएगा ना ट्रायल, लेकिन क्या होगा, कुछ कुछ हम लोग का छूटा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट ट्रायल बैलेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि ड्राफ्टिंग ऑफ अनएडजस्टेड, क्यों? क्योंकि सारा आइटम हम लोग एडजस्ट नहीं किए अभी तक। जब कंप्लीट एडजस्टमेंट हो जाएगा, अगर कोई मिस्टेक है वो भी हम लोग रेक्टिफाई कर दिए, या कोई आइटम छूटा है उसको भी डाल दिए, उसके बाद ट्रायल बनेगा तो वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अपने को तो पता ही नहीं है ये कंप्लीट है कि नहीं, या फिर सारा आइटम एडजस्ट हुआ है कि नहीं पता है। तो पहला जो ट्रायल बनेगा वो अनएडजस्टेड होगा, ठीक है। कोई कोई मंथली बना देता है, कोई कोई हाफ ईयरली, कोई कोई ईयरली भी बनाता है, ट्रायल अपने मुताबिक बनेगा। लेकिन हम लोग का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायल कौन होगा? जो एट द एंड में बनेगा। ड्राफ्टिंग ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री मारो, एकदम सिंपल में देखता है आपने, सिंपल में, कि ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर सिंपल भाषा में देखे क्यों हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाए, उसके बाद भी ये लोग क्यों बोल रहा है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोल रहा है? हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न कब भरेंगे? अगर ऑडिट कंपलसरी है तो जुलाई में और सितंबर में, ठीक है, इंडिविजुअल का जुलाई में और कंपनीज का सितंबर में।
तब तक अपने को पूरा क्लियर रहेगा कि मेरा टैक्स कितना लग सकता है। 31 मार्च पार हो गया, मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया, लेकिन टैक्स का काम हो गया क्या मेरा? अगर मैं एडवांस में कुछ टैक्स पे कर रहा हूँ, उसका भी कोई ट्रीटमेंट हुआ क्या? टैक्स एडवांस में भी लेता है, एडवांस में लेता है मोस्टली कंपनी लोग का, एडवांस टैक्स पे करना होता है, ठीक है? आप लोगों को इंटर में मिलेगा टैक्स के ऊपर। तो क्या होता है ना, टैक्स हम लोग से एडवांस में लिया जाता है, कुछ रूल है, 10,000 के ऊपर टैक्स हो गया तो एडवांस में पेमेंट करो मंथली, कितना 3 मंथ्स में पेमेंट करो, फिर रिटर्न दिखाओ। अगर कम पेमेंट कर रहा है वो भी खुद को ये बोलना पड़ेगा कि मैं इतना कमाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स देना होगा, बहुत लफड़ा है वो, आप लोग सीख लेना, ठीक है? लेकिन टैक्स हम लोग भरेंगे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो तो 1 अप्रैल के बाद आएगा ना बाबा। तो टैक्स का पूरा प्रॉपर काम निपटा दिए क्या हम लोग? नहीं निपटाए ना, तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री भी तो बनता है। अगर कम पेमेंट किया है तो लाइबिलिटी दिखाओ, ज़्यादा पेमेंट किया है तो एसेट दिखाओ, ये सब कौन करेगा? तो मेरा ट्रायल कंप्लीट किया, 31 मार्च को टैक्स वाला काम निपट गया, नहीं निपटा ना, उसी ले भी इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, ठीक है? टैक्स का काम निपट गया, अब सब कुछ पता चल गया, अब मैं एडजस्टमेंट एंट्री मार सकता हूँ क्या? अगर सब कुछ हो गया, मेरा काम निपट गया, टैक्स वगैरह का काम भी निपट गया, मेरे को पता चल गया कि मैंने इतना टैक्स पे किया था, इतना करना चाहिए था, इतना कर दिया, इतना इंटरेस्ट लगा, इतना पेनल्टी लगा, सारा चीज़ मेरे को पता है, अब मैं एंट्री मारूंगा, हाँ अब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री मारूंगा, ठीक है? पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, लिखा? हाँ मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, हो गया। अब एंट्री मार देने के बाद मैं फाइनल प्रॉपर वाला ट्रायल बैलेंस बना सकता हूँ, तो बना दो। 5th, 6th एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ये बन जाने के बाद मैं अपना सारा बुक क्लोज कर सकता हूँ, ट्रायल भी बन गया, अब मेरे को बुक क्लोज करने का मौका मिल गया। 7th नंबर पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ नजर हटी दुर्घटना घटी बुक्स, सारा बुक्स क्लोज हो गया, अब मैं अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर दूं या नहीं करो? नंबर 4 में क्या लिखा है? जर्नल भी हो गई, लेजर भी हो गई, ट्रायल भी हो गया, दोनों ट्रायल हो गया, अनएडजस्टेड वाला भी हो गया, फिर एडजस्टमेंट एंट्री मार के हम लोग उसको एडजस्ट कर दिए, उसको फिट कर दिए दोनों साइड से, अब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी हुआ तो कैश फ्लो बनाएंगे, बस अब क्या बनेगा लास्ट? सर व्हाट इज रिटन इन नंबर 4? ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबरदस्त बात क्या बोलो ना, इसी पॉइंट के ऊपर मैं अगला बार एक क्वेश्चन गिरा था। सर नंबर 4 व्हाट इज रिटन? इसी के ऊपर मैं गिरा था, चार नाम बता दिया, बोला कि इसमें कौन सा अकाउंटिंग साइकिल में आता है, तो ये 8 नाम आप लोग को याद रहेगा, याद तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या होगा? इवेंट, इवेंट होगा तो ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता करना है कि वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं, ठीक है? अगर ट्रांजेक्शन है तो उसको अपने को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड किया अपने किसको में डालना है? लेजर में,
लेजर में डालने के बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर एडजस्टमेंट एंट्री मारो, फिर ट्रायल बैलेंस एडजस्ट कर दो, उसके बाद सारा अकाउंट्स को बंद करो, उसके बाद फाइनल अकाउंट बना दो। इतना ही है ना, सिंपल। आगे बढ़े या ना बढ़े, एक लाइन लिख लो ना, अकाउंटिंग साइकिल इज डिफाइंड एज द अकाउंटिंग साइकिल इज डिफाइंड एज द होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी। आगे बढ़े और 10 मिनट के बाद एक छोटा सा गैप ले लेंगे, ब्रेक, ठीक है? जिसको जिसको रिप्लाई देना है रिप्लाई दे देना, जिसको जिसको बाहर जाना है बाहर जाके आ जाना। देखो हम लोग डबल एंट्री के बारे में पढ़े ना, मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों अप्रोच पढ़े ना, इसका फीचर है, ठीक है? पहला फीचर क्या बोल रहा है, पेज नंबर 27 निकाल लिया। पहला फीचर क्या बोल रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन इज टू फोल्ड, यही तो था ना, एक सिक्का का दो पहलू, वही बात बोल रहा है, ये तो अपने को पता था लेकिन हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, फिर पढ़ेंगे। वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट एंड अदर रिसीविंग द बेनिफिट, पहला फीचर ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, वही बात बोल रहा है कि डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, क्या डेबिट और क्रेडिट, ये भी अपने को पता था लेकिन हम लोग अच्छे बच्चे, जो लिखा है एक बार हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तीसरा, एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कोरोस्पोंडिंग एंड इक्वल क्रेडिट, ये भी अपने को पता था लेकिन थोड़ा तरीका अलग बोल दिया ना, वो पीछे से कान पकड़ा या आगे से पकड़ लिया कान, बोल रहा हर डेबिट का कोरोस्पोंडिंग जो क्रेडिट होगा दोनों सेम ही होगा, और होना भी पड़ेगा नहीं तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पढ़ लिए, खत्म फीचर, सिंपल, गोल्डन रूल अप्रोच, ये लिखा कौन कौन, लिखा कौन कौन, नहीं लिखा सच सच बताओ, गोल्डन और अकाउंटिंग इक्वेशन कौन कौन लिखा, कौन कौन नहीं लिखा, कोई भी नहीं लिखा, सबको याद है ना, एग्जाम में भी वही होने वाला है, मेरे को याद है मैं नहीं लिखेगा। चलो इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करने से पहले हम लोग एडवांटेज पढ़ ले क्या डबल एंट्री सिस्टम का, ठीक है? ताकि नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ब्रेक लेने के बाद उसमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा उसके बाद। पहला एडवांटेज क्या है, 3030 मिला एडवांटेज, इट इंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो हम लोग जो भी लिखेंगे वो तो अमाउंट में रहेगा, नंबर में रहेगा ना, तो अर्थमेटिकल मिस्टेक होने का चांसेस तो कम ही रहेगा, हो जाता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तभी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर चैप्टर निकाला है,
लेकिन ये लोग बोला है तो मान लेना है, ठीक है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, दिस इज एसर्टेन बाई प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस पीरियडिकली और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट्स एंड मिनिमाइज फ्रॉड, फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड अर्ली। अब ई का होता है फ्रॉड कैसे पकड़ लेगा अकाउंट्स, ये डबल एंट्री सिस्टम फ्रॉड कैसे पकड़ लेगा, बोलो ना कुछ आइडिया है। डबल एंट्री सिस्टम फ्रॉड पकड़ लेगा बोल रहा है, अगर आप झूठ बोला है तो पकड़ लेगा, कैसे पकड़ेगा देखो। डेबिट क्या था, रिसीवर, हाँ, और क्रेडिट क्या था, गिवर। रिसीवर बोला है मैंने 300 रुपया रिसीव किया, लेकिन गिवर बोल रहा है मैंने 500 दिया, ये 200 कौन खा रहा है, रिसीवर या गिवर, आपको क्या पता। अब अपने को क्या देखना होगा, पीछे मुड़ के दोबारा उसे देख लो एक बार, क्या ट्रांजेक्शन, इसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन झूठ कौन सही, दूध का दूध पानी का पानी, हो जाएगा या नहीं होगा। बस वही बात बोल रहा है कि फ्रॉड पकड़ने में मदद करेगा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा, या तो उन लोगों को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा मिलजुल के कि मैं फ्रॉड करूँगा तो 500 बोलना, तो अगर ट्रांजेक्शन में 500 लिखा है और ये भी बोल दिया 500, सामने वाला भी तो 500 ही बोल रहा था, मतलब तीनों का तीनों सही, अब ये फ्रॉड पकड़ पाएगा कैसे, कौन यस बोला, अरे मतलब अगर तीनों का तीनों बोला 500 500 500, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है, पता चलेगा काहेला, नहीं चलेगा, पैसा नहीं देगा क्या, आप उससे सामान लिया होगा या सामान दिया होगा, कुछ तो किया होगा, वहां पे वैल्यू नहीं है क्या, है ना, पकड़ सकता है, बस शिद्दत होना पड़ेगा, आजकल शिद्दत का कमी दिखाई देता है। तीसरा क्या है, एरर कैन बी चेक एंड रेक्टिफाइड इजीली, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बात कर रहा है, अगर एरर मिल जाएगा इजीली मिल जाएगा, और मिल जाता है तो फिर हम लोग उसको सही भी कर देंगे, ठीक है। तीन को एडवांटेज हो गया, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज लिमिटेशन ये आपका नोट्स में होना चाहिए नेक्स्ट है, हाँ, एडवांटेज लिमिटेशन, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिखा रहा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपका नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अभी लिखो, फिर घर में जाके उसको प्रॉपर लिख लेना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो और घर पे जाके प्रॉपर अपना नोट बना लेना एक, ठीक है। पहला लिमिटेशन बोल रहा है, यह हर कोई एरर डिस्क्लोज नहीं करता है, द सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर्स कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारा का सारा ये एरर डिस्क्लोज नहीं करता है। इसी एग्जाम्पल में आपने देखे थे ना, यहाँ पे भी 500 बोल दिया था और ये भी 500 बोला, ठीक है, क्योंकि 200 में से एक तेरा एक मेरा, ये लोग वो रूल बनाया हुआ था। बताओ अगर आप सामान लिया होगा या दिया होगा उसी के कारण तो पेमेंट हुआ होगा, अगर वो चेक करने नहीं जाएंगे उसका वैल्यू, तो आपको ये डबल एंट्री सिस्टम बता देगा क्या यहाँ पे एरर है, बता देगा, नहीं बता पाएगा, आपको पीछे जाके ट्रांजैक्शन के अलावा वैल्यू भी चेक करना होगा, तब जाके आप पकड़ पाएगा, तो डबल एंट्री का डिसएडवांटेज हो गया। मिलजुल के सरकार अगर बना दे तो डबल एंट्री में ठग सकते, ठीक है। अब घर में अगर पैसा लेके भेजे सामान लेने के लिए, 10 रुपये वहाँ में कम पड़ गया तो एंट्री मार के सल्टा लेगा, सल्टा लेगा, सामान का दाम बढ़ा देगा, सल्टा लेगा सामान का दाम बढ़ा देगा, पापा को दिखा कि 100 रुपये दिख रहा है और ये 100 रुपये ही बोला लेकिन लिया था 90 रुपया, ठीक है। इसका मतलब है कि अपने को और एक स्टेप आगे भी तो जा सकते हैं, आपने क्या पता किया, जिससे सामान खरीदा था उससे इनवॉइस मंगा लिया ओरिजिनल वाला, वो तो बेचारा 100 रुपये लिखेगा नहीं, वो 90 लिखेगा जब बेचेगा, वो 100 लिखेगा अपना बुक्स में,
या 90 लिखेगा है? वो तो ओरिजिनल इनवॉइस में तो 90 लिखेगा ना, जो हम लोग मतलब वो पार्टी जिससे हम लोग खरीदे वो भी किसी और पार्टी से खरीदा, तो वो तो अपना तो 90 में लिखेगा। ये 90 क्यों लिखेगा? क्योंकि अभी अपना सरकार जो है ना वो आइटम में HSN कोड डाल दिया है। एक कोड होता है हर आइटम का, ठीक है? आप खरीदा ना तो उन लोग के पास पूरा डिटेल्स चला जाएगा आपका पास कितना आइटम है। अब ये HSN वाला आइटम को आप 100 रुपया दिखा दोगे कि ये आइटम 100 रुपया वाला है, तो आप तो HSN कोड डालोगे ना, फंसेगा वहाँ पे, कोड तो डालना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक दिखाने के लिए। तो अभी हर साइड से रास्ता बंद करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास 100 रास्ते है तो चोर के पास 101 है, कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। छोड़ो, हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हम लोग ये चोरी चकारा वाला बात क्यों कर रहे हैं, पढ़ने आया है। दो को डिसएडवांटेज कितना पढ़ा हम लोग? एक पढ़ा, दूसरा दो पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग का छोटा सा ब्रेक, ठीक है? द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। तो इसको मार्क करके रखो ना, ये बोल रहा है द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। जब ये हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे ना, उस टाइम ये पॉइंट आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर रेक्टिफिकेशन हम लोग पहले पढ़ लेते तो ये आप लोगों को डाउट नहीं होता है। कुछ कुछ एरर ऐसा होता है ना, जैसे यहीं पे एरर मिला ना, इससे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो बोलो 500 500 तो सब जगह है, ट्रायल बैलेंस सही दिखेगा? इधर भी डेबिट में भी 500, क्रेडिट में भी 500। ए क्या बोलती तू, 500 क्रेडिट में भी बैठ गया 500, बोलो ट्रायल मैच कर गया डेबिट क्रेडिट? लेकिन चोरी हुआ था उधर, फ्रॉड हुआ था, 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया था ना, बोलो ये ट्रायल बैलेंस सही है क्या? वही बात बोल रहा है। तो रेक्टिफिकेशन जब अपने करेंगे बहुत अंदर में समझ जाएंगे आप लोग, और भी टाइप्स का एरर होता है, तो कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है वो आप लोग पकड़ लोगे। लास्ट एक कॉस्टली बोल रहा है, कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस क्यों? क्योंकि इतना सारा लेजर बनाना, इतना सारा अकाउंट्स बनाना, एक एट द एंड तो तीन ही अकाउंट्स अपने को इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले सारा बुक्स भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, और बुक्स मेंटेन करने के लिए आदमी रखना पड़ेगा ना। अब टेली लगाया तो टेली चलाने के लिए एक दो को आदमी चाहिए ना, तो क्या चलाई, खुद ब खुद चली ना, चले ना। बस तो कॉस्टली हो जाएगा ना, सैलरी देना पड़ेगा ना। चलो ब्रेक, कुछ देर का ब्रेक।
प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है? पेज नंबर 28, ठीक है? सुनो ना एक बात, अभी मैं उनसे बात किया तो बोले कि शायद पहले प्रैक्टिकल ज़्यादा होता था ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी कम, तो अपने को वो थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा वाला फंडा नहीं चलाना है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करोगे ना कि ये थ्योरी है इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ये प्रैक्टिकल है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, वो वाला हरकत नहीं करना है। हाँ, दोनों को बराबर लेके चलना है। इस बार कौन कौन सेवा बोर्ड से दिया था HS? अब बताओ प्रैक्टिकल ज़्यादा आया था या थ्योरी? हाँ, सिमिलर ऑप्शन में प्रैक्टिकल था, मतलब थ्योरी था ना, थ्योरी बेस्ड था ना पेपर। तो अगर थ्योरी कोई कमज़ोर छोड़ के चला गया तो उसको दिक्कत हुआ होगा, तो अपने को वो नहीं करना है। पढ़ रहे तो दोनों को साथ में लेके चलना है। इलस्ट्रेशन 9 यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडर्न रूल से पता करो। हाँ, मॉडर्न रूल से पता करो कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ठीक है? ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, यही पता करना है ना। इलस्ट्रेशन, हम लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना साथ में। कौन सा रूल? मॉडर्न। ठीक है, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला बोल रहा था ना अप्रोच, वो वाला अप्रोच है, गोल्डन वाला नहीं है। अपने को दो हिस्सा में बांटा था ना आपने, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में किसको डाला था? एसेट और एक्सपेंसेस। जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट। और उसके बाद हम लोग क्या डाले थे? एस लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। इसको हम लोग डाले थे पार्ट बी में। ये क्या बोला था? जब भी इंक्रीज होगा किस साइड चला जाएगा? लाइबिलिटी, रेवेन्यू या कैपिटल? जब भी इंक्रीज होगा इसको सस्पेंस में रखो, एसेट और एक्सपेंसेस, ये मॉडर्न रूल है। हाँ, लिखो। डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये दोनों मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या बोलते हैं? कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाता है वो डेबिट में चला जाएगा। तो इंक्रीज हुआ तो और डिक्रीज हुआ तो, ठीक है? इसको मैंने डाला था ए में। बी में कौन है? लाइबिलिटी, दूसरा कैपिटल, तीसरा रेवेन्यू। कभी भी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में चला जाएगा और डिक्रीज हुआ तो डेबिट में। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड। किसका? लेजर का।
और जर्नल में पहले डेबिट आएगा, उसके बाद क्रेडिट, बाय डेबिट टू क्रेडिट। ओके, अब प्रैक्टिकल सॉल्व करें। एक इलस्ट्रेशन 9, सबसे पहले बोल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। इलस्ट्रेशन, अपने को क्या पता करना है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट हिट होगा और टू बी डेबिटेड या फिर क्रेडिटेड, यही पता करना है ना। हाँ, सबसे पहले बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करेगा किससे, कैश से। अब एक बात बताओ, अकाउंट्स हम लोग के लिए बनाया जा रहा है या कंपनी के लिए बनाया जा रहा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अब बताओ, कंपनी के पास पैसा आ रहा है या कंपनी से पैसा जा रहा है, आ रहा है, तो इंक्रीज इन केस हुआ पहला केस में, इंक्रीज इन केस, उसके बाद इंक्रीज इन कैपिटल। बताओ केस क्या है, एसेट है, एसेट है ना, केस अकाउंट हिट हो रहा है और इस पे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। केस एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, बस डेबिट लिख दो, और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, सिंपल सिंपल। दूसरा बात क्या बोल रहा है, बोट गुड्स फॉर कैश, बताओ क्या क्या आएगा। हाँ, यहां गुड्स बोल दिया है, हमारे पास दो ऑप्शन है इसमें, गुड्स का नाम ही नहीं बोला, ठीक है, तो आप लोग परचेस लिख सकते हैं, या फिर गुड्स बोला है तो आप लोग स्टॉक लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेट में क्या लिखा है, स्टॉक लिखा हुआ है, तो अपने स्टॉक ट्रीट करेंगे, ठीक है, आपका मर्जी। सेकेंड क्वेश्चन, इंक्रीज इन स्टॉक हो रहा और केस हाथ से पैसा, कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है, स्टॉक परचेस किया, एक परचेस अकाउंट हिट हुआ, दूसरा केस अकाउंट। परचेस क्या है, एक्सपेंसेस, बड़ा तो डेबिट और केस एसेट, घाटा तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट सी डी ई एफ जी मैं पूछूंगा, ठीक है, अपना अपना किताब बंद कर लो। पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल केस, खुद का पैसा से रेंट पेड किया, कौन सा अकाउंट हिट होगा, खुद का पैसा से पेमेंट किया, बिजनेस का पैसा से नहीं किया, तो आपने बिजनेस का पैसा यूज करने की जगह अपना पैसा दे दिया, तो आप बिजनेस को पैसा दिए, कौन सा अकाउंट हुआ, लोन नहीं होगा, आप तो मालिक है, अरे बिजनेस से निकाला नहीं आप, आपने बिजनेस को ही उसको रेंट देना था जहां पे बिजनेस हो रहा था, आपने अपना पैसा दे दिया, कभी भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो उसको क्या बोलोगे, लोन या कैपिटल, तो कैपिटल हिट हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा, किधर जाएगा,
लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है क्रेडिट, दूसरा अकाउंट कौन सा हिट हुआ? आपने क्या पेमेंट किया? रेंट, रेंट पेमेंट किया। केस का तो बात ही नहीं यार, आप उधर से दे रहे हैं, अपना घर से दे रहा है पैसा, तो रेंट तो कंपनी का है ना, कंपनी तो क्या जानता है रेंट, और एक मेरा लाइबिलिटी खड़ा हो रहा है। लाइबिलिटी कौन सा रूप में? कैपिटल के रूप में, क्योंकि वो अपना पॉकेट से पैसा दिया है। तो रेंट बढ़ गया तो ये एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर केस, केस में गुड्स बिक्री किया, मेरा स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया ना, और पैसा बढ़ गया। सेल अकाउंट हिट हुआ, दूसरा केस अकाउंट। सेल क्या है मेरे लिए? इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, और केस इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन केस। केस क्या? एसेट है मेरा, जब मैंने सेल किया पैसा बढ़ा मेरे पास, पैसा जैसे इंक्रीज हुआ वो किधर चला जाएगा? डेबिट। पकड़ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं किया जाता है। मैं पहले बहुत ही काला था, फिर मेरा दोस्त ने मेरे को बोला ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है, डाउट हो जाता है मेरे को। तीसरा चौथा सॉरी पेट सैलरी, सैलरी पेट किया, दो अकाउंट क्या हिट हुआ? सैलरी और केस, ठीक है। सैलरी बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पैसा घट गया? क्रेडिट। पकड़ पा रहे हो? रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया था मैंने कहीं पे, ठीक है, इन्वेस्ट किया था, मेरे लिए वो एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, ठीक है, एसेट है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट मिला उस पर, बताओ। हाँ, इंटरेस्ट मेरे लिए गेन है, अगर इन्वेस्टमेंट मेरा काम ही इन्वेस्टमेंट का है तो मेरे लिए प्रॉफिट है, लेकिन मेरा काम कुछ और है, मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा। मेरा काम है चॉकलेट बनाने का, और मैंने चिप्स का फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, वो मेरा काम था क्या? अब उसमें से जो पैसा मेरे को मिलेगा वो प्रॉफिट होगा या गेन होगा? गेन, गेन होगा ना, तो गेन बढ़ जाता है तो डेबिट या क्रेडिट? रेवेन्यू में आता है वो, फायदा में आता है, इनकम में आता है, ठीक है, तो क्रेडिट। और इधर केस मिला, केस बढ़ गया, डेबिट या क्रेडिट? इंक्रीज इन केस, डेबिट। लास्ट है, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई, सामान तो खरीदा लेकिन उधार में, मैं दो दिन बाद दे दूंगा, मैं बहुत ही गरीब हूँ बोल के वो सामान खरीद लिया। बताओ, सामान खरीदा उधार पे, लाइबिलिटी खड़ा हुआ क्या? क्रेडिटर, और स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक क्या? एसेट है। एसेट बढ़ा तो डेबिट या क्रेडिट? और उधार बढ़ गया तो क्रेडिट। सिंपल था ना, पड़ेगा तब सिंपल होगा, नहीं तो ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। चलो इस चैप्टर को आज नक्की करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी बचा है और आगे का ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, इसको बाद में देखेंगे अपने, ठीक है, जर्नल लेजर हो जाएगा उसके बाद ही इसको देखेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रिफर टू एज द बुक्स वेयर अ बिजनेस रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इनिशियली, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके ऊपर क्वेश्चन गिर सकता है, पहला लाइन जो मैंने बोला, पहला क्या बोला, रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कब? इनिशियली। इसको क्या बोला जाएगा? बुक्स ऑफ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन
आ चुका है। बस इतना ही था, सिंपल था कि पहला बार जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या से जाना जाता है? जर्नल। ठीक है, तो अगला बार अगर पहले ये क्वेश्चन आया तो इस बार ये आने का चांसेस है, जर्नल भी बोला जाता है, आ सकता है, लेकिन चांसेस क्या है? जर्नल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को दूसरा नाम क्या से जाना जाता है, आप लोग क्या बोलेगा? जर्नल। बिंदास, चुपचाप से 2 नंबर लेके घर आ जाने का, बाकी 38 तो हवा में आएगा पीछे पीछे, यही ना? सिर्फ 38? मेरे को लगा था 78 बोलेगा, उधर से मैं जोश में आके और पढ़ा दूंगा आधा घंटा, दिल टूट जाता है बीच बीच में। दिस आर द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, क्या नाम बोला? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो तीन तीन को क्वेश्चन मिल गई भैया, तो घर में जाके इसीलिए मैं बोल दो, हमेशा पढ़ते रहना, एक बार पढ़ के जाना घर पे। बुक्स ऑफ, इसका दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक्स ऑफ क्या बोला? फर्स्ट एंट्री, सॉरी। तो एक को, दो को, तीन को, चार को, चार को में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चारों का चारों, लेकिन ये भूलना मत, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री किसको बोला जाता है? सपना में भी सपना देखते रहेगा ना, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री बोलते रहना, ओके, ताकि अगला दिन से क्लास आना बंद करा दे घर में। टाइप्स क्या बोल रहे हैं? टाइप्स सिंपल है, हाँ? हो गया, ये लिख लिया, सब लिख लिया, आगे बढ़े। देखो टाइप्स क्या है, दो भाग में बांटा है, स्पेशल जर्नल या सब्सिडायरी बुक। क्या बोल रहा है? स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडायरी, इसमें क्या क्या आता है क्वेश्चन पूछेगा तो? सब्सिडायरी या फिर स्पेशल, इसमें कौन सा बुक्स आएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडायरी, क्या क्या आएगा? देखो सबसे पहले बोल रहा है कैश बुक, मतलब अपने का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। सब्सिडरी बुक नॉर्मली किसको बोला जाएगा? जो हम लोग का डेली काम होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी बुक होगा ना, उसको सब्सिडरी बुक बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अगर मेरा काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मेन काम क्या होगा? सेल होगा, परचेस होगा, केस रिसीव करने का होगा, लाइबिलिटी खड़ा होगा, लाइबिलिटी का बुक बनाओ। ठीक है, हर दिन मेरा क्या खर्चा हो रहा है वो बुक बनेगा, बनेगा ना, वो सब कोई बोला जाता है सब्सिडरी। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक में क्या क्या लिखा है? कैश बुक, बैंक बुक, परचेस, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, ठीक है, केस, बैंक, परचेस, सेल। दूसरा क्या बोल रहा है कि जनरल,
इसमें क्या क्या आएगा? अब जो मेरा डेली ऑपरेशन है उसके अलावा मेरे को और भी एंट्री वगैरह मारना होता है। अगर एंट्री मारते हैं तो उसका लेजर तो बनेगा ही, ठीक है। तो वो जो मिसिलेनियस आइटम्स सब होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। ओपनिंग एंट्री बोल रहा है, क्लोजिंग एंट्री बोल रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या आएगा? ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। अभी तो बस नाम देख रहे हैं ना कि स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक में क्या क्या आ सकता है, जनरल जर्नल में क्या क्या आ सकता है, बस सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग से मिस्टेक ना हो। काहे चिहाड़ रहे हो दांत? ठीक है, अब सिंपल सा जो नेक्स्ट लिखा है उसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, हाँ, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुका हूँ। एक्चुअली में क्या होगा, हम लोग जर्नल मारेंगे ना, जर्नल मारेंगे, जर्नल के बाद क्या होगा, लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम लोग उसको ट्रायल में पोस्ट करेंगे। वही बात इसमें बोल रहा है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दे आर पोस्टेड टू लेजर। लेजर कॉन्टेंट्स इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब कि क्लास 12 अगर है तो क्लास 12 का बच्चा ही रहेगा, और क्लास 11th है तो सिर्फ उसी का बच्चा रहेगा, 10 वाला उसमें घुस नहीं जाएगा। हर लेजर हर किसी का अपना घर होता है, ठीक है, अपना अपना नाम पे अपना अपना लेजर बनेगा और वही आइटम रहेगा, दूसरा आइटम उसमें नहीं घुसेगा, मतलब उसी आइटम से रिलेटेड। वो अपना नाम तो लिखेगा नहीं, लेकिन किसके अगेंस्ट में वो खड़ा हुआ था उसका नाम लिखेगा, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेजर करेंगे। लेजर इज ऑल्सो नाउन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। का बोला? लेजर इज ऑल्सो नाउन एज बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। प्राइमरी एंट्री किसको बोला? जर्नल। फाइनल एंट्री लेजर। क्वेश्चन आ गया तो छपाक से छाप देगा, हाँ, सर्कल बना देगा ऐसे ऐसे करके, वो फिर वो चेहरा बनाने मत बैठना कि ऐसे मैं बनाऊंगा तो आंख बन जाएगा, बाल बनाना है तो ऐसे ऐसे करके लंबा करना है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है उसी में बस सर्कल करके आ जाना, सर्कल मतलब उसको डार्क करके आ जाना, वही है ना MCQ, और एग्जाम देने से पहले बोल दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द लेजर अकाउंट आर बैलेंस एंड क्लोज्ड। तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकलेगा ना, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा या डेबिट साइड, वो क्लोज, वही बात बोल रहे हैं कि क्लोज करना है अपने को। तो क्लोजर ऑफ लेजर अकाउंट डिपेंड ऑन देयर नेचर। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो मोस्टली चांसेस है क्रेडिट साइड में जाके बैलेंस बैठ जाएगा, मतलब कि डेबिट बैलेंस बैठेगा। पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। रियल अकाउंट है तो डेबिट साइड बैलेंस बैठने का, मतलब डेबिट बैलेंस बैठने का चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस, ज़्यादा चांसेस क्या है? ज़्यादा मतलब क्या? लगभग डेबिट बैलेंस रहेगा, मतलब कि डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड कम रहेगा। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, वो क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड कम रहेगा। द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रियल एंड पर्सनल आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। देखो, नॉमिनल अकाउंट को उसी साल अपने को बंद करना होगा। मैंने स्टार्टिंग में जब समझाया था, हल्का जब बेसिक नॉलेज दे रहा था, उस टाइम बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आइटम होगा वो इसी साल से रिलेटेड होना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस
कौन सा अकाउंट को देख रहा था? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को देख रहा था ना, वहां पे आया तो इधर भी आ जाओ, यही बात कर रहा था ना वो। तो रियल और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में दौड़ के नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में दौड़ के जाएगा। ठीक है, अब केस है मेरे पास, मान लो 100 रुपया है, रियल अकाउंट है, 31 मार्च को मेरे पास 80 रुपया बचा है, 80 रुपीज मेरे हाथ में है, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ 80, तो क्या मैं उसी साल उसको फेंक के नेक्स्ट डे नया पैसा लेके आऊँगा या वो 80 रुपीज भी यूज़ करूँगा? करूँगा, करूँगा ना, मतलब कि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट, कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरा कैपिटल अकाउंट में जाके बैठ गया, कैपिटल में पैसा जाके बैठा हुआ है, तो जैसे 31 मार्च आया मैं छोड़ दूंगा उसको या वो पैसा ही आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसका मतलब है कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट आगे बढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर जाके खड़ा हो जाएगा, कहाँ पे? ट्रायल में, लेजर में। लेकिन नॉमिनल का जो भी आइटम होगा वो इसी साल निपट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस खत्म। अब एक ही इससे रिलेटेड टॉपिक एक पढ़ना है जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाने के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अपने का होगा जर्नल और लेजर के ऊपर में पढ़ना है, तो हो सके घर से थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, और आज ऑनलाइन वाला बच्चा कोई भी एक्टिव नहीं था, अनिश दास नहीं है ना, उसीलिए बाय बाय ऑनलाइन वाला बच्चे, गुड नाइट, बाय बाय सर।